तो हम आज इस फोटो में अच्छी सी कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो ये स्किन पे डार्क रेड ज़्यादा दिख रहा है एंड स्काई को हमें थोड़ा सा टील करना है। तो सबसे हम इस ब्लू स्काई को पहले टील कर लेते हैं। अब ठीक है। और इस स्किन पे जो डार्क रेड दिख रहा है उसको ग्रेडियंट मैप से रिमूव कर लेते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट मैप को सॉफ्ट लाइट पे रख के एंड यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेंगे। अब उसमें फिल कर लेंगे ब्लैक। तो जब हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया था वो सब्जेक्ट पे, ओनली सब्जेक्ट पे इफेक्ट करेगा। अभी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। अभी हल्का सा सॉफ्ट लाइट पे ओपेसिटी और कम कर लेंगे। अभी यूज करेंगे दूसरा ग्रेडियंट मैप और उसमें कुछ अच्छे से कलर्स ओवरले पे रखते हैं। अभी ये रेड कुछ ज़्यादा हो रहा है तो सैचुरेशन कम कर लो। दिस इज डन। और एक ग्रेडियंट मैप। First one looking good and अभी contrast कम है तो हम contrast लाएंगे color balance use करके। तो complementary colors को हम use करेंगे जिससे कि हमारा contrast बढ़ेगा। तो शेडोज में रखेंगे मजेंटा, साइन एंड ब्लू। मिड टोन्स में थोड़े से लाइट कलर्स रखेंगे, ग्रीन एंड टील, ग्रीन एंड साइन एंड हाईलाइट्स में रखेंगे ग्रीन एंड येलो। सो दिस इज ओके। अभी थोड़ा सा फोकस सब्जेक्ट पे लाने के लिए हम करेंगे एक्स्ट्रा लाइट को एडजस्ट। तो अभी इसमें ब्लैक फिल कर लेंगे एंड फेदर बढ़ा लेंगे। जिस
जिससे कि एजिस हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। दिस इज ओके। So this is before and this is after.